सो हे गाइस, नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ शेप शिफ्ट ओएस कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है और क्या ये रोम आपको फ्लैश करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस, बिना कोई बात गवाए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस, ये जो शेप शिफ्ट ओएस है ये एक गेमिंग रोम है और यहाँ पे अगर आपको कस्टमाइजेशन के बारे में बता दूँ तो गाइस, माइनर कस्टमाइजेशन जैसे कि आपको कर्वस रोम में देखने को मिलता था वहाँ पे आपको सेम एज इट इज़ देखने को यहीं पे मिलता है। बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो है यहाँ पे MIUI स्टाइल ब्राइटनेस स्लाइडर, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, ये वाला जो है ब्राइटनेस स्लाइडर MIUI की तरफ से, जो कि बीटा वर्जन का है अभी फिलहाल सभी रोम में, जो एक्सटेंडेड UI में भी सेम था। और अगर मैं आपको यहाँ पे बाकी सब फीचर्स के बारे में बता दूँ तो गाइस, यहाँ पे एक बग है जो कि ये शामी पार्ट्स को लेकर है। तो गाइस, यहाँ पे अगर जैसे मैं क्लिक करता तो गाइस, ये जो क्लोज़ हो जाता है एप्लीकेशन, मतलब सेटिंग्स जो है क्लोज़ हो जाता है। बस यही पे है और दिक्कत और इस रोम में, बाकी सब एसेटिस है। और यहाँ पे अगर देख तो गाइस, यहाँ पे आपका जो MIUI का जो साउंड पैनल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं कर्नल की बात करूँ तो गाइस, कर्नल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे वेस्ट कोस्ट सुपर फास्ट EAS प्लस, जो कि एक कर्नल रिसेंट कर्नल है, मुझे पता नहीं है, मैंने पहले यूज़ नहीं किया है किसी भी रोम में। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, एंड्रॉयड वर्जन 10 है और यहाँ पे शेप शिफ्ट OS जो है, यहाँ पे आपका जो लोगो लेके आता है खुद का एंड्रॉयड का, जो कॉपी करके लोगो लेके आता है जो कि अलग है। तो और यहाँ पे जो आपको रैम दिख रहा होगा, रैम वगैरह स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे अगर देखो तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है फिलहाल लेटेस्ट है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, अपलोड कब करूँगा मुझे नहीं पता, पर जो भी है यही है। और यहाँ पे अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गाइस, गेमिंग भी एकदम स्मूथनेस, यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ देखने को मिलती है। और अगर मैं एंटीटू बेंचमार्क की बात करूँ तो गाइस, थोड़ा कम है यहाँ पे, आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है गेमिंग रोम के मुताबिक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देख लूँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये गेमिंग कर्नल गेमिंग रोम है। और अगर आप ओवरलोड कर्नल या फिर मिस्टिक कर्नल या फिर कोई भी बेटर फ्रॉम मेकर कर्नल कोई भी यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो है इसका 60 FPS इनेबल हो जाता है गेम में। तो गाइस, मैं थोड़ा गेम खेल के आपको बता देता हूँ, आइडिया हो जाएगा आपको। मुझे गेमिंग के बाद कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, तो गाइस आपको भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस कर्नल में आप गेमिंग ना करो तो ही बेटर, क्योंकि थोड़ा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है ये। अगर आप ओवरलोड कर्नल यूज़ करते हो, ओवरलोड कर्नल का जो लेटेस्ट वर्जन है फिलहाल 7.3 निकला है जो कि लेटेस्ट है, तो गाइस उसको आप फ्लैश करके देखना। और अगर लेटेस्ट निकले तो वीडियो अपलोड करने के वक्त तब आप देख लेना। तो गाइस, मैं अपडेट करता रहूँगा, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइस, अभी मैं TDM लगा देता हूँ थोड़ा। सो गाइस, ये रोम का एक दिक्कत है जो कि मेरे को अभी दिखा, तो मैं अभी वीडियो बनाने के वक्त दिखा, क्योंकि मैंने जो है मैं ओवरलोड कर्नल से गेम खेल रहा था, ओवरलोड कर्नल से ही मैं यूज़ कर रहा था इस रोम को। लेकिन यहाँ पे जो एक बग है, आप देख सकते हो ये जो हाफ स्क्रीन हो जाता है, देख सकते हो आप। तो पता नहीं आप किसी किसी यूज़र को कंफर्टेबल फील हो जाएगा, किसी किसी यूज़र को नहीं, पर मेरे को जो है कैसा डिसेंट लग रहा है, मतलब क्या ही बताओ अभी। तो गाइस, मैं अभी खेलता रहता हूँ, आप देखो